वहीं बात करते हैं IIFL के नाम पर लोगों को ठगने वाले आनंद राव के पकड़े जाने की। जमशेदपुर पुलिस ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आनंद राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस अभी उसके द्वारा लोगों से ठगी गई राशि बरामद नहीं कर पाई है। SSP डॉक्टर M. तमिलवड़न ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित IIFL कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर रितेश प्रकाश ने विगत 5 अप्रैल को बिरसा नगर थाना में लिखित आवेदन दिया था कि आनंद राव ने IIFL की फ्रेंचाइजी ली थी, किंतु कंपनी ने हाल ही उसकी फ्रेंचाइजी रद्द कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी आनंद राव कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर निवेशकों से ठगी कर पैसे जमा कर रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू की। CTSP के नेतृत्व में हुई जांच में पुलिस ने आनंद राव को गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में आनंद राव के पास से लोगों के 1,49,00,000 रुपये जमा कराने संबंधी रसीद भी जब्त की गई। उसकी गिरफ्तारी से साक्ची, छोटा गोविंदपुर एवं विष्णुपुर क्षेत्र में ठगी व जालसाजी के 4 मामलों का भी खुलासा हो गया है। SSP ने बताया कि आनंद राव के पास से अब तक लोगों के जमा कराए पैसे बरामद नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। एक आनंद राव करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है IIFL एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी के इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ था। 2013 से काम करते आ रहे थे। इसमें इनका काम यह है कि लोगों से, जो इन्वेस्टर है, उन लोग से पैसा लेके IIFL कंपनी को देना है और IIFL कंपनी अपना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट आती है वो ये कमीशन लेते हैं, फिर उनको नीचे वालों को ये पैसा देते हैं। लेकिन ये 2021 से इनका जो है थोड़ा सा काम गड़बड़ाने लगा, तो इसके चलते IIFL ने इनको हटा दिया फ्रेंचाइजी में। उसके बाद भी IIFL का जो सिंपल है उसको यूज़ करते हुए, उसका लेटर पैड यूज़ करते हुए लोगों से पैसा लेने करते जा रहे थे। इसमें करीब करीब अभी तक जो टोटल 2 या 2.5 करोड़ के आसपास जो पैसा इन्होंने लोगों से लिया, आम जनता से, वो सब जो है अपना खाते में लिए हैं और अपना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये IIFL में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। कुछ दिन बाद जैसे लोगों ने पैसा डिमांड करने शुरू किए, तो फिर जैसे मैक्सिलेन जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसी के आसपास के समय जस्ट पहले, तो इन्होंने अपना जमशेदपुर जगह छोड़ के कहीं फरार हो गए थे। इसी बीच में करीब हम लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 केसें दर्ज हुई थी, जैसे साक्षी थाना में 61 और 70 और गोविंदपुर थाना में 29 और विष्णुपुर थाना में 63। सब इस अप्रैल और मार्च और अप्रैल महीना का कांड दर्ज हुआ था। कुल मिला के इसमें करीब 2 करोड़ के आसपास का पैसा ठगी का हम लोगों का कांड दर्ज हुआ। इसमें हम लोग तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करते हुए ASP सिटी के निर्देश में, लीडरशिप में, उनके जो संबंधित थाना प्रभारी लोग इसमें जुड़ के इनको पता कराए थे। पता करने के बाद इनको हम लोग गिरफ्तार किए, फिर पूछताछ किए, फिर इन्होंने अपने स्वीकारोक्त बयान में सभी चीज़ें बताई, किससे कितने पैसा इन्होंने लिया है, कौन अकाउंट में लिया है। फिर जैसे एक बार पैसा का अपना लालच हो गया, यूज़ करने लगे तो वापस नहीं कर पाए, और उसका भी प्लस उसके अलावा जो IIFL कंपनी है उनके जो मुहर और बाकी उनके लेटर पैड, उनके सिंबल सब मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने में इनके ऊपर चीटिंग का भी केस जो रितेश प्रकाश है सिक्योरिटी मैनेजर IIFL कंपनी का, उनके द्वारा भी इसमें कांड दर्ज किया गया है। ऐसे अभी रिकवरी नहीं हुआ है क्योंकि 2 महीना ये बाहर फरार थे। इसी के समय में इन्होंने पैसा को कहीं कहीं खर्च कर दिए होंगे या नहीं तो कहीं कहीं इन्होंने अपने ये कर दिए होंगे, लेकिन फर्दर जो इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे, फर्दर हम लोगों का अनुसंधान उसमें जारी है। इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल से जो भी डिटेल हम लोग को मिला है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इनके द्वारा कहाँ कहाँ पैसा जो है छिपाया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनको मिले। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।